बच्चों को ये बातें पसंद आती भी नहीं है, वो कहते हैं क्यों लिखवा रहे हो, जब एक लिखा हुआ तो एक ही करवाओ ना। मैंने उसी दिन बोला था आपसे, ठीक है, कि हर कोई टॉपर बनना जरूर चाहता है, पर टॉपर जितना पढ़ते हैं उतना पढ़ना कोई नहीं चाहता, ठीक है। और हमने टॉपर्स को बहुत क्लोजली देखा है, उनके साथ रहे हैं, हमें पता है वो बाल की खाल निकाल देते हैं, ठीक है। जब तक आपको उतनी नॉलेज ना हो जाए, ठीक है, आप नीट में अनफॉर्चुनेट है, ये मेरा वर्ड का यूज करना, ठीक है, आप टॉपर तो नहीं बन पाएंगे, ठीक है। हाँ, आप क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम को, वो भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी तैयारी करी है, कितनी नहीं करी है। वापस आ रहे हैं, टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, समझदार को इशारा काफी होता है। जिनको बात समझ आनी होती है उनको एक ही बार में समझ आ जाती है, जिनको नहीं समझ आनी होती, जैसे नोट्स के बारे में मैं रोज बोलता हूँ, रिवाइज करो, और मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी, आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नोट्स नहीं बना रहे हो, गारंटी, बहुत सारे होंगे जो बना भी रहे होंगे, बहुत सारे होंगे जो रिवाइज भी कर रहे होंगे, बहुत सारे शेड्यूल को फॉलो, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो 15 दिन बाद आके एक बार खोल के देख लेंगे, अच्छा अच्छा चल रहा है, यकीन मैच, अच्छा फोर्थ चैप्टर में पहुंच गया, अच्छा एट पे पहुंच गए, हाँ कर लेंगे, पहले इस साल का यकीन अपना नीट का एग्जाम दे दें, या उसके बाद कुछ छोटी प्रॉब्लम हो गई, बस वो ऐसे पूरा साल बिता देंगे, पूरा साल ऐसा बिता देंगे। हर साल ऐसा ही होता है, हर साल कुछ बच्चे फोकस होते हैं, कुछ रिजल्ट लेके चले जाते हैं, हर साल बच्चे जो है कुछ ऐसे होते हैं जो फोकस नहीं होते हैं, वो सिर्फ बहाना मार मार के पूरा साल बिता देते हैं, फिर बाद में रोते पीटते हैं, फिर अगले साल फिर कहीं और, बस खत्म, फिर उससे साल अगले साल कहीं और, बस ऐसा ही चलता रहता है, ठीक है, वापिस आ रहे हैं फॉर्मूला।